डॉक्टर यादवरिंदर सिंह पाठ एज ए सीनियर कंसल्टेंट मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला में काम करता हूँ एंड मैं आपको कुछ मलेरिया के बारे में बताना चाहता हूँ। 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाया जाता है और मलेरिया एक इन्फेक्शस डिजीज है, मतलब ये एक इन्फेक्शन की वजह से होता है जो कि मच्छर काटने की वजह से होता है। ये एक खास तरह का मच्छर होता है एनोफिलीज। एनोफिलीज में भी आगे मादा मच्छर मीन्स फीमेल मॉस्किटो के काटने से मलेरिया फैलता है। पंजाब में हम जैसे रहते हैं तो यहाँ पे मलेरिया काफ़ी कम पाया जाता है, लेकिन मलेरिया एक हल्की बीमारी से लेके बहुत सीरियस बीमारी हो सकती है। कुछ केसेस कई बार बाहर की स्टेट से भी आते हैं, जैसे असम वगैरह, आर्मी के पर्सनल वहाँ पे काम करते हैं या कोई वैसे वहाँ पे काम करता है, तो ये अगर वहाँ से आता है तो कई बार इसमें काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मलेरिया आमतौर पे चार तरह से इसको डिवाइड किया जाता है, लेकिन मेन दो टाइप्स हैं इसकी, वाइवैक्स और फैल्सीपैरम। आमतौर पे वाइवैक्स मलेरिया पाया जाता है, लेकिन फैल्सीपैरम के केसेस भी पाए जाते हैं। फैल्सीपैरम मलेरिया है वो ज़्यादा सीवियर होता है, वाइवैक्स मलेरिया कम होता है। इसमें मलेरिया में बुखार चढ़ता है पेशेंट को, जो डेली भी हो सकता है, हर दूसरे दिन भी हो सकता है, हर तीसरे दिन भी हो सकता है, मतलब बुखार के बीच में एक या दो दिन का गैप भी हो सकता है। और मलेरिया में कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स का कम होना, सेल्स का, जिसको हम सेल बोलते हैं, सेल्स का कम होना। इसके अलावा कई बार अगर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो बुखार दिमाग में चला जाता है, जिसको सेरेब्रल मलेरिया बोलते हैं, और किडनी फेलियर भी हो सकता है। ये कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है। इसके अलावा मलेरिया में मलेरिया तकरीबन शरीर के हर ऑर्गन, हर अंग को इफेक्ट कर सकता है, तो ये काफ़ी सीरियस बीमारी होती है। इसका डायग्नोसिस या इसका पता चलना, उसके लिए आपको टाइम से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि जब आपको तेज़ बुखार हो ठंड लग के, तो सिंपल आप किसी डॉक्टर को या केमिस्ट को विजिट करके उससे मेडिकेशन या एंटीबायोटिक्स खा लो, क्योंकि अगर मलेरिया का बुखार है तो उसका ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है। अगर डॉक्टर ऐसा सोचता है कि आपको मलेरिया हो सकता है तो वो आपके ब्लड टेस्ट करवाता है, ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि मलेरिया है। और इसका ट्रीटमेंट है जो वो बहुत आसान है अगर कॉम्प्लिकेशंस कम हैं तो। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट केस हो गया तो फिर उसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट और डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर सिंपल मलेरिया है, जल्दी पकड़ में आ जाए, तो सिंपल दवाइयाँ, खाने वाली दवाइयाँ या इंजेक्शन के रूप में दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे कि मलेरिया ठीक हो जाता है। मलेरिया से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि मच्छर के काटने से बचना चाहिए। ये मच्छर दिन में किसी टाइम भी आपको काट सकता है, लेकिन आमतौर पर रात को सोते समय काटते हैं, तो मच्छर भगाने वाली मेडिकेशंस या दवाइयाँ या ओडोमॉस लगाना, ये सब हम कर सकते हैं जिससे मच्छर आपको ना काटे। और मलेरिया से बचने के लिए कई बार जिन इलाकों में मलेरिया, जिन क्षेत्रों में मलेरिया ज़्यादा पाया जाता है, उनमें हम मलेरिया की दवाई वीकली या हर हफ्ते एक या दो गोली देते हैं, जिससे मलेरिया कम होता है। और मलेरिया कई बार नहीं भी होता, अगर होता भी है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। तो ये सब था जो मलेरिया के बारे में मैं आपको बताना चाहता था।